हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं एक पोयम एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल है द लैंड लेडी रिटन बाय मार्गरेट एटवुड ये जो पोयम है ये कलेक्शन के साथ लॉन्च हुआ था उस कलेक्शन का टाइटल था द एनिमल्स इन दैट कंट्री और इस पोयम को पब्लिश किया गया था 1968 में ये पोयम इसके टाइटल से ही पता चल रहा है लैंड लेडी मतलब मालकिन जो किसी घर की मालकिन होती है तो इसमें जो लैंड है वो बहुत ही रूट वेमेन है उसके अंदर कोई भी सेंसिबिलिटी नहीं है कोई सेंसिटिविटी नहीं है और उस वो बहुत ही ज़्यादा उसका नेचर बहुत बॉसी है बॉस लेडी बोल सकते हो आप और वो कभी भी अपने टेनेंट्स के रूम में विदाउट परमिशन चली जाती है उनको कोई प्राइवेसी नहीं देती और ये एक नाइन्थ स्टैंडा का पोएम है और इसमें जो स्पीकर है इस पोएम की वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो बताती है कि उसके लिए ये लैंड लेडी कैसे मतलब कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है कि वो उसे शांति से प्राइवेसी से रहने ही नहीं देती सो लेट स्टार्ट विद द पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगी तो आप चेकआउट कर लेना सो आई एम स्टार्टिंग नाउ दिस इज़ द लेयर ऑफ़ द लैंड लेडी तो स्टार्टिंग में ही जो स्पीकर है जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो बताती है कि ये जो मालकिन हैं उसका लेयर है वो घर नहीं बोलती वो लेयर बोलती है लेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो एनिमल्स है वो छिपने या रेस्ट करने के लिए जाते हैं गुफा बोल सकते हो आप तो स्टार्टिंग में ही जो टेनेंट है वो एक्सप्लेन कर देती है कि जो लैंड लेडी वो बहुत ही डेंजरस लेडी है और वो घर को लेयर से कंपेयर करती है शी इज़ अ रॉ वॉइस लूज़ इन द रूम्स बीनीथ मी तो जो लैंड लेडी है उसका बहुत ही ज़्यादा उसका रॉ वॉइस है रॉ वॉइस इन द सेंस इसका मतलब होता है कि वॉइस बहुत हार्श है अनरिफाइंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस है उसकी और वो मेरे नीचे वाले कमरे में रहती है द कॉन्टीन्यूस हैंन यार्ड स्क्वेबल गोइंग ऑन बिलो हैंन यार्ड का मतलब होता है जहाँ पे पोल्ट्री चिकन वगैरह रखे जाते हैं तो स्पीकर बताती है कि जो ये नॉन स्टॉप ये पोल्ट्री फार्म वाला नज़ारा जो देखने को मिलता है हर टाइम नीचे स्क्वेबल मतलब फालतू की टॉपिक्स पे बहुत बड़ी बढ़ा चढ़ा के झगड़ा करना और ये सब थॉट इन दिस हाउस लाइक द बिकर ऑफ ब्लड थ्रू द हेड तो इन सब को देखने के बाद स्पीकर इतना इरिटेट हो चुकी है कि वो ये कभी कभार उसको लगता है कि उसके दिमाग से खून आ जाएगा बिकर ऑफ ब्लड थ्रू द हेड का मतलब है कोई भी सिचुएशन नर्व्स पे चढ़ जाना और दिमाग से खून आना तो वो स्पीकर इतनी ज़्यादा इरिटेट ऑलरेडी हो चुकी है लैंड लेडी से शी इज एवरीवेयर इंट्रूसिव एज द स्मेल्स दैट बल्ज इन अंडर माई डोर सिल स्पीकर बताती है कि जो लैंड लेडी है वो बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं देती वो हर जगह है इंट्रूसिव एज द स्मेल्स का मतलब है कि हर एक घर में एक तरीके की स्मेल होती है तो ऐसा लगता है वो इन स्मेल में भी लैंड लेडी का ही स्मेल आता है और डोर सेल का मतलब होता है बॉटम ऑफ अ डोर फ्रेम एक डोर के नीचे जो फ्रेम होता है ना उसको डोर सेल बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उस डोर सेल में वो एक बल्ज बन के चिपकी पड़ी है कि जो स्पीकर है वो अपने घर में अपने रूम में कब क्या कर रही होती है हर चीज़ पे वो नज़र रखती है बल्ज का मतलब होता है एक तरीके का लंप मतलब वो चिपकी पड़ी रहती है हर टाइम कि स्पीकर कब क्या कर रही होती है उसको हर चीज़ में मतलब नज़र रखना है हर टाइम वो हर जगह है शी प्रिसाइड्स ओवर माई मेगर ईटिंग जनरेट्स द लाइट फॉर आई स्ट्रेन तो मेगर का मतलब होता है टू स्मॉल इन अमाउंट मतलब जो स्पीकर है वो बहुत ही कम खाती है क्योंकि वो कम खाती है इसमें भी लैंड लेडी को दिक्कत है डिसाइड्स का मतलब है कि वो उसमें भी डिस्कशन करती है कि वो क्यों कम खाती है हर तरीके के सवाल जवाब करती है जिस वजह से स्पीकर है उसके आँखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है बहुत मतलब बहुत दबाव पड़ता है उसकी आँखों में फ्रॉम हर आई रेंट माई टाइम शी स्लैम्स माई डेज लाइक डोर्स नथिंग इज़ माइंड फ्राम हर आई रेंट माई टाइम जो स्पीकर ये बोलती है कि उससे मैं अपना वक्त उससे मैं कुछ वक्त किराए पे मांगती हूँ कि मुझे तुम मेरे लिए कुछ वक्त दो क्योंकि जो लैंड लेडी है वो स्पीकर को बिल्कुल उसके लिए पर्सनल टाइम नहीं देती शी स्लैम्स माई डेज लाइक डोर्स स्पीकर को ऐसा फील होता है कि उसने जो लैंड लेडी है उसने उसके दिन भी छीन रखे अपने हाथों में और वो उसके हर दिन ऐसे बीत बीतते हैं जैसे कोई ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर रहा हो पूरे फोर्स के साथ नथिंग इज़ माइन तो स्पीकर को ये फील हो रहा है कि पैसे देकर रहने के बावजूद वो घर उसका नहीं हो रहा उसको वो घर वाली फ़ीलिंग नहीं आ रही क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि पैसे देने के बावजूद जो वो रेंट पे कर रही है उसके बावजूद उसकी पूरी लाइफ उसके लैंड के कंट्रोल में है कोई प्राइवेसी नहीं कोई पर्सनल स्पेस नहीं कुछ नहीं एंड वेन आई ड्रीम इमेजेस ऑफ डेयरिंग एस्केप्स थ्रू द स्नो स्पीकर बताती है कि जब वो सपना देखते जब वो सोते टाइम ड्रीम्स देखती है कि वो इस घर को छोड़ के किसी तरह इस घर को एस्केप करके यहाँ से भाग रही है आई फाइंड माई सेल्फ वॉकिंग ऑलवेज ओवर अ वास्ट फेस तो वो हमेशा खुद को एक बड़े से फेस के ऊपर एक बड़े से चेहरे के ऊपर चलती हुई खुद को देखती है विच इज़ द लैंड लेडीज़ एंड वेकअप शाउटिंग और जब वो ध्यान से देखती है कि वो किसके फेस के ऊपर से चल के भाग रही है तो वो फ़ेस उस लैंड लेडी का होता है और वो चिल्ला के उस मतलब उठ जाती है इसका मतलब कि उसके जो सपने भी है वो भी नाइटमेयर में बदल चुके हैं क्योंकि उसको उसको इतना ज़्यादा खौफ हो गया लैंड लेडी का कि वो सपने में भी लैंड लेडी को ही देख रही है She is a bulk, a knot, swollen in a space. यहाँ पे वो लैंड लेडी के फिगर का मजाक उड़ा रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटी है और ऐसा लग रहा है कि उसके लिए सारा स्पेस भी कम पड़ रहा है बहुत ज़्यादा सूजी हुई है वो स्पेस के हिसाब से दो आई हैव ट्राइड टू तो फाइंड सम वे अराउंड हर पर मैंने बहुत बार कोशिश करी है कोई ना कोई रास्ता निकालने की माई सेंसेस आर क्लटर्ड बाई परसेप्शन एंड कॉन्ड सी थ्रू हर पर हर बार जब मैं कुछ रास्ता सोचती हूँ यहाँ से निकलने का जो मेरे सेंसेज है क्लटर्ड बाई परसेप्शन का मतलब है कि आपस में ही उलझ जाते हैं जो भी मेरे सेंसेस है जो भी मेरी थिंकिंग थाट्स है वो सारे मतलब आपस में उलझ जाते हैं अनटाइडी वे में तो वो कभी भी उसका कोई क्लियर थॉट नहीं होता और वो अपने थॉट में से कुछ सोच के नहीं निकाल पाती रास्ता एंड कांट सी थ्रू हर का मतलब है उसके अलावा लैंड लेडी के शक्ल के अलावा और मतलब उसको कुछ दिखता ही नहीं है और उसको कोई रास्ता भी नहीं निकाल पा रही वो कि वो वहाँ यहाँ से कैसे निकले She stands there, a raucous fact blocking my way. Raucous का मतलब है loud and unpleasant. जो लैंड लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा loud तरीके से बात करती है और उसका जो वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा unpleasant है तो स्पीकर ये बताती है कि वो यहीं खड़ी रहती है हमेशा मेरा रास्ता रोक के और वो बहुत ही ज़्यादा raucous है बहुत loud and unpleasant है Immutable, a slab of what is real. इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जिस इंसान को कभी बदल नहीं सकते या वो इंसान कभी खुद नहीं बदलेगा अनचेंजिंग ओवर टाइम अ स्लैब ऑफ वॉट इज़ रियल स्लैब का मतलब होता है अ थिक फ्लैट पीस ऑफ समथिंग एक किसी मोटी चीज़ का चपटा सा टुकड़ा तो क्योंकि एक स्लैब नॉन लिविंग थिंग होता है बट यहाँ जो स्पीकर है वो बोलती है कि माना स्लैब एक नॉन लिविंग थिंग है बट ये जो लैंड लेडी है वो एक रियल लाइफ स्लैब है जो कभी रास्ते से नहीं हटती वो यहीं रहती है और वो कभी बदल भी नहीं सकती सॉलिड एज बेकन तो इस पोएम के लास्ट लाइन में स्पीकर ने लैंड लेडी को पिग से कंपेयर किया है और उसको बोला कि वो बेकन की तरह सॉलिड है क्योंकि उसके फिगर को लेके भी बोला था कि वो बहुत मोटी है तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको पिग बोला है कि वो उसके बिहेवियर की वजह से भी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है और सेकेंडली उसके फिगर को लेके भी तो यहीं पे हमारा ये पोएम एंड होता है आई होप आपको समझ आ गया हो सो so ये रहे आपके वर्ड मीनिंग्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना कमेंट करना एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल